व्हाइट बोर्ड रहेगा और एक तरफ ग्रीन बोर्ड रहेगा। इस टाइप के ये हमारे पास बॉल पूल्स हैं, ये फैंस है, इसमें स्लाइड्स के अंदर भी इतने मॉडल्स रहेंगे कि अपनी एक्टिविटीज, कलरिंग वगैरह इस टाइप से कर सकते हैं। स्लाइड्स के कॉम्बोज हैं व्हिच कम्स विद मल्टीपल एक्टिविटीज। ये हमारे नंबर शेप ब्लॉक्स हैं, कैन बी यूज्ड एज ए बुकशेल्फ, दिस कैन बी यूज्ड एज ए बैग शेल्फ। ये हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसमें हमारे पास 8 से 10 मॉडल्स हैं, थर्ड क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे यूज कर सकते हैं। डबल स्लाइड है, पार्ट स्लाइड है, स्पाइरल स्लाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माही व्लॉग गाइस। तो आज आपको लेकर आ गए हैं करोल बाग प्ले ग्रुप पे और राइट नाउ हमारे साथ है जगजीत सर। हेलो सर, वेलकम टू माही व्लॉग। सो हमारे व्यूअर्स को एक बार अपना और इस फर्म का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस, वी आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर बाय द नेम ऑफ प्ले ग्रुप टॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टोटली सर किन किन आइटम्स में डील करते हैं? अप्रॉक्स एक बेसिकली स्कूल खोलने के लिए जितने भी बेसिक्स नीड्स होती हैं लाइक इंडोर फर्नीचर, स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स एंड प्ले इक्विपमेंट्स एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स एज वेल, वो सारे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसी भी एक स्कूल को परफेक्ट बनाने के लिए जो भी नीड्स हैं वो सारा स्टफ हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि सर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो गाइज आप सोच सकते हैं प्राइस आपको कितने बेस्ट मिलने वाले हैं। तो सर ये डीलिंग होलसेल में ही होती है, रिटेलिंग भी पॉसिबल है? यस, हम दोनों सेगमेंट्स में डील करते हैं। रिटेल्स हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं हमारे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रन किए जाते हैं। ओके, एंड डायरेक्टली वी डू ओनली होलसेल्स। जी, तो सर मिनिमम ऑर्डर क्या रहता है अगर कोई आपसे ऑनलाइन परचेजिंग करता है तो? मिनिमम बिलिंग अमाउंट हम कंसीडर करता है 40,000-35,000। बिल्कुल, क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट होती है किसी स्कूल को बिल्कुल स्टार्ट करने में। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। जी, तो सर जैसे आपके पास काफ़ी सारे न्यू आर्टिकल्स और वाइड रेंज है प्ले स्कूल्स के बच्चों के लिए, बड़ी वाइड रेंज, तो सर ये स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है इस तरह के आइटम्स की? प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग होती है, जैसे सबसे पहला सेगमेंट है हमारा, आप चेयर्स देख सकते हैं, चेयर्स जो डोमेस्टिक यूज़ में भी, चेयर एक बच्चों की आजकल बेसिक्स नीड्स हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सबसे छोटा साइज़ है, तो अगर किसी के भी घर में बच्चों का सबसे छोटा एज ग्रुप है 1.5 से 2 साल, हाँ जी, तो वो इस प्रोडक्ट को पहला ऐसा फर्नीचर है जो अपना पर्सनल कंसीडर करता है। ओके, कि दिस इज माय चेयर। बिल्कुल, तो गाइस स्टार्टिंग आपको चेयर से हो जाएगी और इसमें काफी सारे साइजेस दिख रहे हैं। यस, जी जी, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हैं। इसके बाद हमारा साइज स्टार्ट होता है प्ले वे का, जो एंट्री सेगमेंट होता है लाइक 2 से 5 साल के बच्चों का। ओके, फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी। और हाँ, चेयर्स में हम आपको बता दें हमारे पास जो चेयर्स हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। अच्छा, बड़ों के लिए भी मिल जाएगी? यस, टीचर्स चेयर्स भी हम बनाते क्या हैं। क्या बात है जी। इसका बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप यूजली जो घर पे चेयर्स यूज करते हैं उसमें बच्चे नीचे लेवल पे रह जाते हैं। बिल्कुल। और टीचर्स या कोई भी एडल्ट होता है वो अपर लेवल पे रह जाते हैं, राइट, तो इससे आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। बिल्कुल। हमारी ये आप साइज देख रहे हैं, ये आइडल साइज है और ये टेबल टीचर के लिए स्पेशल। जी, अब ये आप देखेंगे कि टीचर्स और बच्चे सेम लेवल पे इंटरेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए कितना, मतलब इस छोटी सी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता, कितनी इस बात का खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, तो सर वैसे बात करें चेयर्स की प्राइस रेंज की, स्टार्टिंग की, तो वैसे स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? स्टार्टिंग बहुत नॉमिनल रेंज है, लाइक अगर हम MRP बात करेंगे 300, 360, 440, 560, साइज के अकॉर्डिंग प्राइस, साइजेस के अकॉर्डिंग प्राइजेस इसके डिसाइड है। जी, तो सर इसके बाद क्या आर्टिकल्स दिखाने वाले हैं? जी, इससे नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा टेबल्स, जो बहुत ही बेसिक्स नीड्स है आजकल के स्कूल्स के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देख रहे होंगे, वी हैव गॉट ज्योमेट्रिकल शेप्स, फ्रूट शेप्स लाइक राउंड बनाना शेप, बनाना राउंड, बिल्कुल एप्पल देख सकते हैं आप, हाफ मून है और स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपीजियम है, ये सारे सेगमेंट्स हमारे पास। और गाइस चेयर्स के अंदर देखिए कितनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल यूनिक स्टाइल की चेयर रहेगी, तो देख पा रहे हैं सर। वैसे इनकी, इन टेबल्स की स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? स्टार्टिंग रेंज अप्रॉक्स आप ये 3990, 4290। क्या बात है, इतने से स्टार्टिंग भी जाती है, वाओ। तो चलिए और आर्टिकल्स दिखाते हैं गाइस। अब नेक्स्ट सेगमेंट आप देख सकते हैं, इसमें अगर फर्नीचर सेगमेंट में बात करेंगे तो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का भी सेगमेंट पूरा है। अच्छा, मतलब उसके लिए भी हमें कहीं नहीं जाना, वो आर्टिकल्स भी हमें यहीं पे मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इसमें आपको ये अगर बड़े बच्चों के लिए चाहिए तो देखिए बड़े बच्चों की भी आर्टिकल आपको सारी मिलेंगी और इसमें भी सर सारे साइजेस हैं हमारे, सारे साइजेस हैं। और इसमें यूनिफॉर्मिटी को ध्यान रखते हुए आजकल जितने भी स्कूल्स हैं, बिल्कुल सीनियर सेकेंडरी में एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है, लाइक आप प्राइमरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक जैसा फर्नीचर चाहते हैं। जी, उस सेगमेंट में हमारे पास ये एडजस्टेबल टेबल है। ओके, जिसकी मिनिमम हाइट है 27 इंचेस, मैक्सिमम है 30 इंचेस। जी, 3 लेवल्स एडजस्टेबल होते हैं, इसमें 3rd क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी में अगर आप सिर्फ प्राइमरी सेगमेंट में जाते हैं, हाँ जी,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम ये मॉडल सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये सिंगल सिंगल बच्चों के लिए होगा। जी, सेम सिंगल सीटर में है जी। तो गाइस, अब दिखाते हैं आपको डस्टबिन की फुल रेंज। ये सारे डस्टबिन से हैं। वी प्रोड्यूस ओनली 5 डिजाइंस लाइक मशरूम, पेंगुइन, रैबिट एंड डक। क्या बात और है? इसी के साथ ये स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। जैसे आप डोमेस्टिक यूज में भी आजकल बच्चों के पास यूजली टॉयज वगैरह घर में काफी होते हैं, तो बजाय इधर उधर टॉयज रहने के आप एक जगह उनको कंपाइल करके रख सकते हैं। इट कम्स विद द स्टोरेज लिड्स। अच्छा, और अच्छा खासा स्टोरेज रहेगा इसके अंदर, मतलब स्पेस में काफी है। ये देख सकते हैं गाइस, फुल स्पेशियस रहने वाला है जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं हमारे रॉकर्स, राइड ऑन्स और ट्विन रॉकर्स। तो सर, अब क्या आइटम दिखाने वाले हो आप? अब हम आपको इस सेगमेंट में मोस्टली जो बच्चों की सबसे फेवरेट आइटम्स होती हैं, फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे बच्चे चलना सीखते हैं, जिन पे राइड करना सीखते हैं, वो आ जाता है हमारा रॉकर्स, राइड ऑन्स एंड ट्विन रॉकर सेगमेंट्स। ये देख सकते हैं, इसमें अंदर भी इतनी अमेजिंग रेंज रहने वाली है गाइस। एक ये रॉकर आप देखेंगे, ये रॉकर छोटे बच्चे एज ग्रुप, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1.5 ईयर। ये डोमेस्टिक यूज की रेंज है हमारी, बहुत प्रीमियम रेंज है। और आजकल ये आर्टिकल स्क्रैच वगैरह जैसे स्टार्ट हो गए, क्रेचेस में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं। वही बच्चे, उसी एज ग्रुप के बच्चे क्रैच में हैं, वो हमारे घर में भी हैं, स्कूल में भी हैं, सोसाइटी में भी हैं। तो ये यूनिक एज ग्रुप को कवर करके बनाया जाता है। इसमें ये आप देखिए, बच्चे को रॉक भी करा सकते हैं और आप इसमें से डिटैच करके दिस कैन बी यूज एज ए राइड ऑन जी। और इसके अंदर भी साइजेस रहते हैं सर? इसमें साइजेस ऑलमोस्ट सिंगल सेगमेंट में सेम है। इसमें करेक्टर्स अलग अलग और कलर्स अलग अलग मिलेंगे। अच्छा, इसमें कार्टून करेक्टर्स की रेंज मिल जाएगी। जैसे देखते हैं पोनी है, हॉर्स है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें हम थोड़े बड़े बच्चों के लिए आप ये देखते हैं, एजुकेशनल राइड ऑन्स हैं जी। ये बहुत प्यारा है। इसके साथ हम एजुकेशनल ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। ओके, ये दो बच्चे बैठ के फेस टू फेस ये प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, एक तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, दिस इज द बेसिकली फॉर लर्न एंड प्ले कॉन्सेप्ट जी। अब ये रॉक्सी देख सकते हैं, ये हमारी सारी डोमेस्टिक रेंज है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी इस रेंज में। और ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शन आपको इस रेंज के अंदर फुल अवेलेबल रहेंगे। और प्राइस रेंज सर ने बता ही दिया आपको। ये अब इस रॉकर की बात करें, ये इन्फेंट रॉकर है, लाइक इसमें मिनिमम 1.5 ईयर का बच्चा रॉक कर सकता है। 2 पॉइंट हार्नेस है इसमें, सेफ्टी सिस्टम है, फ्रंट सपोर्ट दी हुई है, एंड दिस कैन बी यूज एज एज अ चेयर। चेयर, क्या बात है, बिल्कुल, यानी 2-in-1 काम होने वाले हैं इस आइटम में भी। डेफिनेटली जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखते हैं ये ट्विन रॉकर्स। आप नीचे देखेंगे, 2-way रॉकर्स हैं ये सारे। इसमें जैसे किड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, और स्कूल्स में, प्ले एरियाज में, एक्चुअली आप आज देखेंगे आजकल की सोसाइटी में हर सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। हाँ जी, लाइक घर से स्टार्ट होते हैं, फिर आप बच्चे को किसी भी प्ले कॉन्सेप्ट या मॉल या किसी प्ले जोन में ले जाते हैं, ये वहाँ भी सेम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद स्कूल्स में भी सेम मिलते हैं, क्रैच में भी ये सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, तो इसके अंदर ही देख सकते हैं गाइस, इतने ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारी डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स में, जैसे एलिफेंट्स के अंदर, हॉर्सेस के अंदर। तो सर, वैसे इनकी स्टार्टिंग प्राइस रेंज क्या रहती है? अप्रॉक्स 2,900-2,000 स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग है जी, टू सीटर्स की। ओके, बाकी इस सेगमेंट में आप देखेंगे अप्रॉक्स 1,900-1,600 प्राइस हमारा बेसिक प्राइस रहता है जी। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ये हमारी प्लेवे एक्टिविटी सीरीज जी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हर प्ले स्कूल में एक प्ले रूम या एक एक्टिविटी रूम डेडिकेट होता है। बिल्कुल, जिसमें टाइम वाइज एक एक क्लास पूरी आके एंटरटेन होती है। तो कम से कम इसमें 8-10 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। ये एक्चुअली कस्टमाइज है, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर स्पेस एंड यूटिलिटी एज वेल जी। अगर मुझे इससे वाइड रेंज की बनानी है तो मैं उसका भी डेफिनेटली, इसमें काफी कस्टमाइजेशन हो जाएगा। आई शो यू, इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी ये दो हैं, तो इसको आप इस टाइप से, ये वेवी कॉन्सेप्ट में आप अगर मल्टीपल 16-17 टेबल्स लगाएंगे तो ये वेवी कॉन्सेप्ट में यूज़ हो जाएगा। अभी जो करंट शेप है इसकी, ये कॉन्फ्रेंस शेप है। यहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटीज, कलरिंग वगैरह इस टाइप से कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, ये सिंपल टॉप है, बच्चे इस पे कोई ड्राइंग रिलेटेड एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम इस टॉप को रिवर्स कर देंगे तो इसके नीचे स्टोरेज बॉक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स बच्चे अपने रख सकते हैं जिसके जो जो ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये ब्लॉक्स होते हैं, दीज कैन बी फिटेड इन दीज
लाइक दिस। क्या बात है, इसी टेबल पे ब्लॉक्स मेकिंग भी हो जाएगी। Yes. Amazing guys, ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलता, ये ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है इसके अंदर। इस टाइप से आप बच्चों को एक्टिविटीज बिल्ड करके बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं जी। और ब्लॉक्स के अलावा ब्लॉक्स की इंडिविजुअल रेंज भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि स्टैंड अलोन रेंज है। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे अल्फाबेटिकल ब्लॉक्स हैं। हाँ जी। ये हमारे नंबर शेप ब्लॉक्स हैं। ये शेप्स रहेंगी, शेप्स विद द लेसेस। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही एजुकेट किया जाता है, हाउ टू टाई अप योर शू लेसेस, हाउ टू टाई अप योर नॉट्स एंड ऑल दीज। तो ये सारे आप, ये पाइप ब्लॉक्स हैं, ये सारे यूनिवर्सल ब्लॉक्स प्ले सेट्स हैं, इसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। इसी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में अब हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारी वुडन सीरीज। अच्छा, ये पूरी वुडन सीरीज। अच्छा, इसमें जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम बच्चे लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी एनिमल, फार्म एनिमल्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट विद अपर केस, अल्फाबेट विद पिक्चर्स, ये सारे डिजाइन आपको इस सीरीज में अवेलेबल हो जाते हैं। बेसिकली जो हम प्ले ग्रुप्स के बच्चों को एजुकेट करते हैं, वो सारे आर्टिकल्स मिलेंगे इस तरह की वुडन सीरीज के अंदर। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये देख सकते हैं, आपको नंबर्स नेम मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब बात आती है, जब बच्चों के पास इतने सारे प्ले कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉयज हैं, बुक्स हैं और उनकी और बिलोंगिंग्स हैं, तो उनको हम स्टोर या ऑर्गेनाइज कैसे करके रखें जी। तो ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजर रेंज है, अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि स्पेशली दिस इज द शेल्फ ओनली फॉर बुक्स। अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ बुक्स का सेक्शन रहेगा। आप बुक्स हैं, इस टाइप की लर्निंग ट्रेज हैं, ड्रॉइंग शीट्स हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी स्टोरी बुक्स हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें स्ट्रेट सिंपली वे में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं शेल्फ्स के अंदर गाइस, ये अमेजिंग ऑप्शन मिलने वाले। जैसे सर ने बुक्स के लिए स्पेशली बताया, अगर आपकी एक्टिविटीज वगैरह ब्लॉक्स वगैरह है, तो वो इस टाइप्स की जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये देख सकते, बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक बच्चों के पास मल्टीपल बॉल्स होती हैं, कलरफुल टेडी बियर्स होते हैं, एजुकेशनल ब्लॉक्स होते हैं, या स्टफ टॉय कोई भी हो, तो इस टाइप की मल्टीपल ऑर्गेनाइजर्स में आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसी में बच्चों के अगर क्लास बुक्स की बात करें, क्लासरूम बुक्स की, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, तो ये देख सकते हैं, जैसे एक में आपको पूल ब्लॉक्स रखे हुए हैं, बिल्कुल, तो इस पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। अब इस ड्रॉर की बात करेंगे, ये मल्टीपल यूटिलिटी ड्रॉर है। दिस कैन बी यूज एज ए बुक शेल्फ, दिस कैन बी यूज एज ए बैग शेल्फ, दिस कैन बी यूज एज ए शू रैक। ओके, तो इसको बहुत ईजी है, आप कहीं भी इसको शफल कर सकते हैं, इट्स नॉट परमानेंटली फिक्स, और अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं जी। तो देख सकते हैं, ये चार पांच ऑप्शन तो हमने दिखा दिए गाइस, इसके अंदर काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कलर रेंज आपको सारी मिलेंगी इसके अंदर। ये अभी तक जो आपने देखा है, दीज ऑल आर कम्स विद द लाइक इंडियन कलर स्टोरी लाइन। बिल्कुल। RGBY, रेड ब्लू ग्रीन येलो, तो इसमें हमने पेस्टल शेड्स भी इसमें ऑलरेडी डेवलप किए हैं। वाओ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं अपने लिए, तो गाइस ये देख सकते हैं, दिस इज अ जॉइंट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप इसको डोमेस्टिक यूज में भी ले यूज़ करते हैं, और स्कूल के लिए या कहीं भी क्लासरूम के लिए, दिस इज़ वेरी यूजफुल। आपकी सारी बिलोंगिंग्स हैं, सारे टॉयज हैं, सारी एक्टिविटीज़, दैट ऑल कम्स टुगेदर। तो सर अब क्या आइटम्स कवर करने वाले हैं आप? अब बेसिकली हम बच्चे, जैसा कि बच्चे भगवान का रूप भी हैं और बच्चे शरारती भी होते हैं, बिल्कुल, तो मोस्टली उनके एक्टिविटीज़ के लिए, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आती है उनको एक बॉल, दैन बॉल ऑलवेज कम्स विद द, छोटे बच्चे के लिए देखेंगे तो बास्केटबॉल कॉन्सेप्ट्स के साथ आती हैं। वाओ, मतलब इतनी हाइट्स के अंदर आपको सारे इस तरह के सारे जो है यूनिक रेंज कवर हो जाएगी, उसके अंदर देख सकते हैं कितने मल्टीपल ऑप्शन सर ने रखे हुए हैं। डेफिनेटली, इसमें करेक्टर वाइज, एज वाइज, दीज ऑल आर एडजस्टेबल अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यस, ये देखिए, ओके, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, जैसे अब इंडोर है तो इसको हम परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते हैं। द बेस कम्स विद द होलो कॉन्सेप्ट, इसमें आप जो गीली सैंड होती है वो डाल सकते हैं, इधर वाटर फिल कर सकते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसको जब बच्चों ने यूज़ करना हो, तब आप इसको लेंथी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फोल्ड करके स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं सर के नेक्स्ट सेक्शन में, तो सर यहाँ क्या क्या आइटम रहने वाले हैं? यहाँ सबसे बच्चों की सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं हम स्लाइडर्स जी। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे बेस से ऊपर किसी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, दिस कॉल्ड स्लाइड्स। और ये स्लाइड्स के अंदर भी इतने मॉडल्स रहेंगे? डेफिनेटली, वी हैव गॉट लाइक जिराफ शेप, पांडा शेप,
इंडिया गेट शेप, वी हैव गॉट कैरेट शेप स्लाइड, कैरेट विद द आइसक्रीम शेप स्लाइड विद द मल्टी कलर ऑप्शंस, रॉकेट स्लाइड कॉम्बो, रैबिट स्लाइड्स, एलिफेंट, जिराफ, ऑल दीज आर ऑप्शन वी हैव. जी ये सारे आप अलग अलग साइजेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन में हैं. ये सारे नीचे स्लाइड्स हैं, ऊपर ये स्लाइड्स के कॉम्बोज हैं विच कम्स विद द मल्टीपल एक्टिविटीज एट जॉइंट विद द स्लाइड्स लाइक स्विंग्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल कॉन्सेप्ट. तो ये सारे जितने आप क्या बात है, स्विंग्स के अंदर भी गाइस देख सकते हैं, इतने मॉडल्स अवेलेबल रहने वाले हैं और इसके अंदर आपको और भी काफी यूनिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. बट अब वो सारे वीडियो कॉलिंग पे ये यहाँ पे विजिट करके देख पाएंगे डेफिनेटली. जी और इसी में अगर हम आप थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए देखें इंडोर में, जैसे आप डोमेस्टिक यूज के लिए जॉइंट फैमिलीज हैं या गार्डन है या लॉन्स हैं, उस सेगमेंट्स के लिए हमारे पास इंडोर सेगमेंट में ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. क्या बात है, मतलब इतने बड़े साइज के अंदर भी फुल स्लाइडिंग रहेगी और अच्छी खासी मजबूत रहने वाली है डेफिनेटली. अगर वेट वाइज बात करेंगे इट विल बी टेक अप टू 100 केजी वेट्स, तो एक एडल्ट भी अगर इस पे स्लाइड करता है तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला. वरी अबाउट द वेट लिमिट. जी द ऑल अबाउट द साइजेस कि वो स्लाइडर को पार्ट बच्चा एंजॉय करना चाहे. जी अब इस टाइप के ये हमारे पास बॉल पूल्स हैं, ये फैंस है, इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं लाइक पार्टीशन में बॉल्स बॉल पूल्स के लिए, या आप आउटडोर फैंस में भी यूज कर सकते हैं. और खासकर आपने ये सारी आइटम मॉल्स वगैरह में भी देखी होंगी डेफिनेटली. ये इस टाइप की बॉल्स होती हैं, तो प्रॉक्सिस बॉल पूल के लिए हम वी रिक्वायर्ड 800 to 900 बॉल्स, और इसमें ऐसे एक स्लाइड हम लैंड करते हैं जिसमें चाइल्ड स्टेयर केस से बाहर से एंटर करता है और एग्जिट बॉल्स पे करता है. क्या बात है सर, मतलब ये पूरा कॉम्बो रहेगा सर इसके अंदर, आपको बास्केटबॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, स्लाइडिंग का भी ऑप्शन मिलने वाला है डेफिनेटली. ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, ये हम इनको एडजॉइन करके मल्टीपल एक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स डिजाइन करते हैं. तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन करवाना है, कोई प्ले एरिया डिजाइन कराना है, डिजाइन मीन्स वी आर प्रोवाइड ओनली द प्रोडक्ट्स नॉट इंटीरियर, बट हम आपको आपकी यूटिलिटी और बजट के अकॉर्डिंगली बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं. जी तो सर अब इसके बाद क्या कवर करेंगे आप? इसके बाद ये साइकिल्स हैं बच्चों की, ये हमारा डोमेस्टिक सीरीज का कॉन्सेप्ट है, जो छोटे बच्चे जैसे कि साइकिलिंग इंटरेस्ट होते हैं, बेसिकली जो बेसिक एज होती है बच्चों की साइकिलिंग की दैट कम्स विद द थ्री ईयर्स, स्टार्टिंग विद द थ्री ईयर्स. उससे पहले बच्चे सिर्फ राइड ऑन्स यूज़ करते हैं. अब इसमें हमारे पास डोमेस्टिक रेंज में इस टाइप की साइकिल्स विद द एक्स्ट्रा कुशन सीट, टू पॉइंट हार्नेस विद द सिपर, विद द हैंडल और विद द रिंगिंग बेल. और सेम इसमें हम प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा कुशन सीट है, टू पॉइंट हार्नेस है, विद द सनशेड है, विद हैंडल, सिपर, एक्स्ट्रा कुशन फॉर योर नेक, रिंगिंग बेल एंड फुट रेस्ट एंड स्टोरेज बास्केट ऑल्सो. अच्छा इसके अंदर स्टोरेज बास्केट भी रहेगी? यस डेफिनेटली. जी तो चलिए अब और आइटम्स दिखाते हैं आपको इसके अंदर. अब बच्चों के हम राइटिंग कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो इसमें आप हमारी बोर्ड सीरीज देख सकते हैं. दिस कम्स विद अ टू वे इजल बोर्ड, एक साइड इसमें व्हाइट बोर्ड है. अच्छा एक तरफ व्हाइट बोर्ड रहेगा और एक तरफ ग्रीन बोर्ड रहेगा. और ये हमारी रेंज जस्ट अभी न्यूली लॉन्च है, अभी इस पे हमारी वर्किंग चल रही है. इट कम्स विद द मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स विद द स्टोरेज, दिस इज ऑल्सो डेस्क कम चेयर कम व्हाइट बोर्ड एंड ग्रीन बोर्ड कॉम्बो. क्या बात है, हमेशा तो जनरली यही बोर्ड चलते थे गाइस, पर अगर कुछ यूनिक लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये सीरीज भी आपको बहुत जल्दी कम्प्लीट मिल जाएगी. और इसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप प्ले एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं या आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए देखना चाहते हैं. जी तो आपका जो यूजली सरफेस है आजकल विच कम्स विद द लाइक सेरामिक टाइल्स एंड मार्बल स्टोन्स, तो उस पर बच्चों को एक्टिविटी या खेलते हुए बच्चों को चोट ना लगे उसके लिए हमारे पास ये ईवा मैट्स हैं. हमारे पास 8 to 10 मॉडल्स हैं. जी ओके और इनके भी कुछ साइजेस रहते हैं सर, है ना? हाँ जी. यूजली जो ईवा मैट्स आते हैं दिस कम्स विद अ यूनिक 2x2 feet साइजेस. ओके इट कम्स विद अ 4-piece सेट विच इज कवर्ड बाय 16 square feet एरिया. इसमें थिकनेस थोड़ी वरी करती है, वन कम्स विद द 10 mm एंड सेकेंड इज 12 mm. जी मतलब टू वराइटीज रहेंगी इसके अंदर, टोटल वेराइटी थ्रीज हैं. जी बट स्कूल्स के अलावा हमारे पास जिम, योगा, ताइक्वांडो, कबड्डी, इंडोर जितनी भी आपकी खो खो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैट हैं वो भी हमारे पास होते हैं. ये आप देख सकते हैं क्या बात है, कम्स विद द 1x1 meter साइज. जी सेम ये स्क्वाटिंग होती है जहाँ पे आपकी मैट की एंडिंग होती है. अच्छा इसकी स्क्वाटिंग भी ज़्यादा रहेगी. यस इट कम्स विद 20 mm एंड 25 mm, ये दो सेगमेंट्स में आते हैं. और इनके प्राइसेस क्या रहते हैं सर, जैसे अगर बात करें इसकी? यूजली स्टार्टिंग प्राइस है हमारा 990 फॉर द 4-piece सेट MRP. सो बाकी इसके ऊपर डिस्काउंट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर वैल्यू. तो सर अब क्या आइटम दिखाने वाले हैं आप? अब हम दिखाने वाले हैं एक स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो आती है
आउटडोर एक्टिविटीज, बिल्कुल, जिसमें बच्चे बाहर पार्क में, गार्डन में, लॉन में या स्कूल में भी, आजकल आप देखते होंगे कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इंटरेस्टेड होते हैं तो वो सबसे पहले आउटडोर प्ले एरिया देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे के लिए आउटडोर करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली आफ्टर 5 ईयर्स, बिल्कुल राइट। तो उस सेगमेंट्स में हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, डबल स्लाइड है, पार्ट स्लाइड है, स्पाइरल स्लाइड है, सिंगल वेवी स्लाइड है जी, और ये आउटडोर के बहुत इंटरेस्टिंग राइड्स हैं। क्या बात है, ये तो हमने भी आज पहली बार देखा है। वाह, ये देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर भी इतनी अमेजिंग आर्टिकल्स रहेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल देखेंगे जैसे कि जगह बहुत संकुचित होती जा रही है, तो बच्चों को खेलने के लिए स्पेस बहुत कम रह गया है जी। तो अब सारी बात आती है कि अच्छे स्कूल में, एक अच्छे माहौल में बच्चे को अच्छे प्ले वे इक्विपमेंट्स वो भी आउटडोर में मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट होता है पेरेंट्स के लिए जी। ये आप सीरीज देखते हैं हमारी, ये 2 से 5 साल के बच्चों का है, प्ले वे के कॉन्सेप्ट्स के लिए डिज़ाइन है स्पेशली। इसमें एक बार में 8 से 10 बच्चे सिंगल टाइम प्ले कर सकते हैं जी, ये देख सकते हैं गाइस। और इसके अंदर सर और भी कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे पास, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, इसमें मल्टीपल डिजाइन हैं जी। स्पेशली इस कॉन्सेप्ट की बात करें हम प्ले वे के, तो इसमें हमारे पास 8 से 10 मॉडल्स हैं जी। और इससे अपर लेवल की बात करेंगे तो हम किसी भी बजट का, किसी भी साइज का, किसी भी एंगल का प्ले स्टेशन हम कस्टमाइज करके दे रहे हैं पिछले 20 सालों से, और आगे भी आप सबका प्यार मिलता रहे तो ये हम करते रहेंगे। तो यानी इसके अंदर अगर आपको इससे बड़े साइज में कस्टमाइजेशन कराना है या आपको कोई अदर मॉडल चाहिए तो दोनों आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यस डेफिनेटली, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लेंथ एंड विड्थ इन टर्म्स ऑफ हाइट, बिकॉज हाइट्स का रेशियो है मैक्सिमम 4 से 5 फुट बेटर रहता है 2 से 5 साल के बच्चों के लिए जो कि स्टार्टअप एज है। बिल्कुल, बच्चों का एज बड़ा होते ही ये चीजें बड़े लेवल में आती है जिससे हाइट का रेशियो और मिलता है, जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे इनकी ड्रॉपिंग हाइट है 6 to 7 feet। ओके, तो बड़े बच्चों को भी स्लाइड्स का पूरा शौक रहता है। बिल्कुल जी, जी, जी। तो यानी उनके, यानी इसमें छोटे और बड़े, यानी मिडल एज के बच्चे सारे इंजॉय कर सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैरी गो राउंड्स हैं, स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं और स्प्रिंग राइडर्स हैं जी। ये सारी रेंज आपको, वॉल क्लाइंबर्स हैं, इंडोर क्लाइंबर्स हैं, ये सारी सीरीज आपको हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो सर जैसे किसी को ये सारी रेंज देखनी हो तो उसके लिए कोई लिंक वगैरह भी होगा या कोई कैटलॉग प्रोवाइड रहेगी? जी, हमारे IVR नंबर है या आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्विकली कैटलॉग लिंक्स प्रोवाइड होंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप इंडोर में इंटरेस्टेड हैं तो इंडोर भी लिंक मंगा सकते हैं, सिर्फ आउटडोर इंटरेस्टेड हैं तो वो भेजा जाएगा, या फर्नीचर सेगमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ आपको वो सेगमेंट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो सर एक बार हमारे व्यूअर्स को लोकेशन शेयर कर दीजिए। लोकेशन, दिस इज़ द वेरी फेमस लोकेशन विच इज सिचुएटेड एट गुरुद्वारा रोड, PP ज्वेलर्स चौक, एंड जस्ट लैंडमार्क आप नोट कर लीजिए मोहन घी, विच इज़ क्वाइट फेमस, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, PP ज्वेलर्स चौक, नेक्स्ट टू मोहन घी, बिल्डिंग नेम है गोल्ड प्लाजा, 4th फ्लोर। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।